देखिए, जो आज सिरसा में जो अनाज मंडी का निरीक्षण किया गया और जो अभी उठान का सीज़न है उसमें टोटल सिरसा ज़िले की बात करूँ तो करीबन 2,90,000 जो है एम्प्टी अराइवल हो चुकी है वीट की, और उसमें से 65,000 एम्प्टी जो है वो उठान हो चुका है। और इसमें जो बाकी जगह से भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो उठान को लेकर है, और उसमें पिछले 2 दिनों में जो है उठान की स्पीड बढ़ी है। उससे पहले जो है करीबन 5 से 10 हज़ार एम्प्टी जो है डेली सिरसा ज़िले में उठान हो रहा था, और लास्ट के 2 दिनों में 20 से 24 हज़ार एम्प्टी जो उठान हुआ है। आगे हमारा प्रयास यही है कि इसको हम 30 से 35 हज़ार एम्प्टी तक लेके जाए, ताकि एटलीस्ट जो डेली की अराइवल है, पीक सीज़न की जो अराइवल है, उसको हम लोग कवर कर सकें। और कुछ इसमें जो इशूज़ आए थे FCI वाले, वो भी जो है टेकअप किए गए थे, और 11 पॉइंट पर इनके गोडाउन बने हुए जहाँ पर ये सब जो स्टॉक है वो उठान होकर वहाँ पर ऑफलोडिंग हो रही है। उन पे भी जो है लेबर पॉइंट्स अभी करीबन 50% जगह ही लेबर पॉइंट्स एक्टिव हो चुके थे एज़ पर दी कॉन्ट्रैक्ट। आगे आने वाले दिनों में इसको बढ़ा के 100% किया जाएगा। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं जो हमारे संज्ञान में आई। एक तो शुरू में जो लिंकेजेस थे गोडाउन के वो फाइनल नहीं हुए थे, वो पिछले फ्राइडे को ही, शुक्रवार को ही फाइनल हुए FCI के, और जब FCI से वो फाइनल हो गए उसके बाद से जो है लिफ्टिंग चालू हुई है। शुरू के दिनों में सिस्टम में गति पकड़ने में टाइम लगता है, शुरू के दिनों में 5 से 10 हज़ार की लिफ्टिंग हो पा रही थी। लास्ट 2 दिनों में सिरसा ज़िले की बात करें तो वो 5-10 हज़ार एम्प्टी वो जो क्वांटिटी है वो बढ़ के 20 से 24 हज़ार हुई है। आगे भी प्रयास ये है कि हमने जो ट्रक्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार हैं, उनके ट्रक्स जो है वो भी वेरीफाई कराए फिजिकली, और जहाँ पे जो है ट्रक्स काफ़ी कम पाए गए, जहाँ पे सिर्फ जो सप्लाइड जो जितने क्वांटिटी उन्होंने देनी थी नंबर उससे काफ़ी कम है, वहाँ पे जो है हमने शोकॉज नोटिस भी जारी किए हैं और इसको डेली बेसिस मॉनिटर कर रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि उठान के जो पॉइंट्स थे, लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उठान के लेबर कॉन्ट्रैक्ट के जहाँ पे ऑफलोडिंग पॉइंट्स थे वो सारे चालू नहीं हुए थे, वो करीबन 20 से 30% चालू हो पाए थे जो FCI गोडाउन पे थे, वो अब बढ़ के 50% पहुँची है। और अब बाकी जो लेबर पॉइंट्स जो गोडाउन पे ऑफ लोडिंग के लिए तैयार होने हैं, चालू करने हैं, वो आगे आने वाले 1-2 दिनों में हम उसको 100% करेंगे। इसके लिए जितनी भी हमारी सेक्रेटरीज हैं, मंडीज़ के हो गए, सब यार्ड परचेस सेंटर जितने भी जगह हो गई, उसमें हमने अलग अलग जो है प्रावधान कराए हैं। जहाँ तक प्लास्टिक बैग हो, शेड हो, तो निर्देश जो है पहले से ही दिए गए थे कि इन सब चीज़ों की इंतज़ाम ज़रूर करके रखें, और ऐसा कोई अगर सिचुएशन आती है तो उसमें कवर एटलीस्ट जो जो शेड के बाहर पड़ा है माल उसको कवर ज़रूर करें। जिस समस्या आ रही है तो इसमें पोर्टल पर उनको अपडेट करते हैं, और उन उसके बाद भी अगर पोर्टल पर भी नहीं होता है तो उसको हम टेलीफोनिकली पर्सनल बेसिस पे सारे सेक्रेटरीज और SDMs के थ्रू इसको फॉलो करता कि चंडीगढ़ लेवल से उनकी एंट्री जो है वो ठीक हो जाए। करावली में ये ऐसा मुद्दा आया था जहाँ पर जो तुलाई है वो ज़्यादा तोली गई थी, और उसमें जो है FIR भी दर्ज हुई है, और आगे जो संबंधित आड़ती पे वो कार्रवाई भी करी जाएगी। जी देखिए, अभी जो है इसको एक बार टेकअप करेंगे, अभी तो यहाँ पे डिजिटल कांटे का प्रावधान भी नहीं है। देखिए, जो हम लोग पिछले 3-4 दिनों में हमारी 2-3 राउंड ऑफ मीटिंग्स हो चुकी है, क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हमारे जितने स्टाफ है, रेवेन्यू स्टाफ हो गए, SDMs हो गए, हमारे एजेंसीज हो गए, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के जितने स्टाफ हो गए, अधिकारी हो गए, वो सब इसमें लगे हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आगे आने वाले 1-2 दिनों में एटलीस्ट हम लोग जितना हमारी अराइवल हो रही है वो डेली बेसिस पे उतना उठाने में सक्सेसफुल होंगे।